अधिकारी जो है आज पेपर से शार्दुल विक्रम गुप्त जी हैं। इसको किसने बनाया था और ये कितने सालों में पूरा हुआ था? इसको राष्ट्र रत्न बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने बनवाया था और ये बन के 6 वर्ष में तैयार हो गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था 1936 में। यहाँ पे किसी देवी देवता का मूर्ति नहीं बल्कि अपने भारत का मानचित्र राष्ट्र रत्न बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने बनवाया मंदिर, क्योंकि उनका मत था, विचार था कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी जाति धर्म के समुदाय के लोग रहते हैं, तो एक ऐसा मंदिर बनाया जाए जहाँ पे सभी जाति धर्मों के लोग आके एक साथ दर्शन कर सकते बिना किसी रोक टोक के। तो उन्होंने यहाँ पे किसी देवी देवता का मूर्ति नहीं बल्कि अपने अखंड भारत का मानचित्र बनवाया, वो भी काशी में, वो भी मकराना मार्बल का, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ हिंदी के बहुत सारे अक्षर लिखे हुए हैं, ऐसा क्यों? इसमें यह दर्शाया गया है कि अक्षरों के माध्यम से कि कौन सा स्थान कहाँ पे है, ताकि हम उसको आसानी से पढ़ सके, जानकारी हमको प्राप्त हो सके कि उस अक्षर को हम पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है कि श्रीलंका, तब कहीं नहीं लिखा होता तो हम लोग नहीं, हमें लोग को दिक्कत होता है कुछ लोगों को कि कैसे क्या लिखा है, कौन सा स्थान कहाँ पे, तो ऐसे हम लोग पढ़ के आसानी से जान सकते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पे है। समुद्र की गहराई कैसे नापा जा सकता है, कैसे मालूम चलेगा कि ये कितना गहरा है? तो इसलिए 1 इंच में 2000 फीट के हिसाब से ऊंचाई समुद्र की और उसी हिसाब से एवरेस्ट की ऊंचाई दर्शाया गया है। इस मानचित्र की सर्वप्रथम परिकल्पना किसने की थी? इसको ऊपर जो फोटो लगा है ये बाबू श्री राष्ट्र रत्न श्री शिव प्रसाद गुप्त जी की है, जिन्होंने इस मंदिर की परिकल्पना की थी। ये गए थे पुणे, वहाँ पे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, तो वहाँ पे इन्होंने देखा उस आश्रम में जमीन पे बना था भारत का मानचित्र। वो बना तो था मिट्टी का ही, लेकिन बड़ा सुंदर इन बाबू जी को लगा कि इसमें पहाड़ियाँ भी थी, नदियाँ भी थी, झील भी थी, सब कुछ दर्शाया गया था। तो इनके मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसा एक मंदिर काशी में भी बनाया जाए जो ऐसा ही हो और मानचित्र भी हो, मतलब हो, और उसमें जो है मकराना मार्बल का हो, जो टिकाऊ भी हो, सुंदर भी हो, तो इसलिए उन्होंने ऐसा मंदिर बनाया। यहाँ हम देख सकते हैं कई फेमस इंडियंस भारतीयों के चित्र लगे हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि इन लोग की तस्वीरें यहाँ पर क्यों लगी हुई है? क्योंकि ये लोग आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों की थी। इसका मतलब कि इस मंदिर का हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, ये बात सही है, हमारे देश की आज़ादी में इस मंदिर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लोग इसी जगह मंदिर पे बैठ के एक जगह अपना इकट्ठा होकर अगले आगे की रणनीति तैयार करते हैं। हाँ, क्योंकि उत्तर साइड में जो है ये सब जितने हैं ये सब
पर्वत है, हिमालय की चोटियां हैं, ऊपर में ऊंचाई पे तिब्बत है जो स्थान है, और इधर जो है कम पर्वतें हैं, कम पहाड़ियां हैं, एकदम प्लेन है, इसलिए इधर कम देर दर्शाया गया है। यहाँ पे ना कि सिर्फ ये हिंदुस्तान का नक्शा है, और उधर चाइना, तिब्बत और अन्य देशों के भी वहाँ पे नक्शे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज़ादी के पहले जो भी था सो सब भारत में था, तो इसलिए अखंड भारत का है, तो इसमें सब कुछ दर्शाया गया है।